तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्पीति वैली से मैं अभी आज़ाद यादव स्वागत करता हूं आपका एक नए एपिसोड में। रात में हम लोग स्पीति वैली के काजा में पहुंचे थे और काफ़ी रात हो गई थी, तो हमने सोचा कि कल ही आपको स्पीति वैली का टूर कराएं और काजा शहर दिखाएं आपको। देखो, शहर तो इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, बट यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं वो आपको एक बार दिखाऊंगा। और ये मेरा रूम था, देख लो। रूम से एक बार नजारे देखो दोस्तों, तो नज़ारा काफी शानदार है। चलिए आपको स्पीति वैली में काजा शहर और जो मोनेस्ट्री वगैरह है आपको विजिट कराते हैं, घुमाते हैं, और छोटे छोटे जो खूबसूरत गांव है वो भी मैं दिखाता हूँ। मेरा और थोड़ा सा ये हो गया है ठंडे की वजह से, तो आवाज़ ही भारी लग रही होगी, तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। चलिए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसा काजा के गलियों का नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हो। इस साइड पे काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आपको दिखाता हूँ। पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है। ये व्यूज देखो, थार अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा दे रहा है भाई लोग। ये देखो, एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, और जो कि काफी सही है। तो यहाँ पे काजा 0 किलोमीटर लिखा हुआ था, तो हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। तो ये काजा है, नज़ारा देखो भाई, बियॉन्ड द वर्ल्ड, मतलब कि काफ़ी खूबसूरत है अपना इंडिया, बहुत खूबसूरत है, देख रहे हो। तो दोस्तों, मुझे काजा सिटी ऊपर से दिख रही है। हम अभी जा रहे हैं लांगजा, हिक्किम और एक और कॉमिक जगह है, जो कि एक तो है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जरा काजा सिटी देखो एक बार यहाँ से दोस्तों, हाइट से वो वहाँ पे दिख रही है, वो काजा सिटी है। और एक ये जो पूरा है दिख रहा है, ये बहता है, इसमें पानी बहता है, बहुत कम बह रही है बट बह रही है। ये वैली देखो एक बार, कितना खूबसूरत है। और ये रही अपनी थार, पूरी गंदी हो चुकी है, क्योंकि स्पीति करोगे तो आपकी गाड़ियाँ गंदी ही होंगी, देख लो। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों, कुछ दिख रहा है आपको, ये हिरन है कि क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट यस, हमने मिला एक जानवर पहाड़ों में, थैंक गॉड किसको मिला है पहाड़ों में। चलो बाय बाय बाय।
मकान आप देख रहे हो इतने बने हुए हैं, यहाँ पे खेती भी होती है। ये लांगजा विलेज है और सामने आप देख रहे हो बुद्धा का प्रतिमा लगा हुआ है, बहुत बड़ा प्रतिमा है। तो अपन लोग वहीं पे चल रहे हैं। एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि देखो यहाँ पे खेती भी होती है और घर देखो कितने सारे बने हुए हैं, मतलब इतने हाइट पे। चलो वहीं पे चलते हैं, फिर बात करते हैं इस विलेज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं लांगजा विलेज में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लांगजा एक पंचायत है, यहाँ पे 3 गांव आते हैं, लाइक एक लांगजा हो गया, दूसरा कॉमिक और थर्ड जो है हिक्कीम। तो अभी हम लांगजा में हैं और लांगजा के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। लांगजा जो है बुद्ध भगवान की यहाँ पे प्रतिमा जो है तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, जो कि लांगजा में स्थित है, 14,400 फीट पे है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और यहाँ के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। गाइस अभी तो धुपा में उस साइड से धुपा है, दिख नहीं रहे हैं इस साइड से, लेकिन आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कितना हाइट पे है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है, बनाया गया काफ़ी बड़ा है। और ये वर्ल्ड का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 14,400 फीट पे जो बनाया गया है ये बुद्धा की स्टैचू। बहुत हाइट है भाई, बहुत हाइट है। मैं अगर खड़ा हूँ, जैसा कि मैं बात कर रहा था खेती का, ये तो पूरा विलेज हो गया, उस साइड पे भी है देखो। और ये पूरा खेती करते हैं ये लोग, प्रॉपर खेती समझ लो, सर्वाइव करने के लिए। उस साइड पे देखो माउंटेन्स पे पूरा बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। दूसरी बात ये कि ये जो है बाबू, और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे सर्वाइव कर पा 25 डिग्री सेल्सियस बहुत मुश्किल होता होगा। ये देखो मेरे को काट रहा है, ये मेरे को काट रहा है भाई दाती से। ये टूरिस्ट गाइड मैप है। इस साइड का लैंडस्केप देखो एक बार, कितना शानदार है। रोड देखो, तो अभी हम किकम के लिए निकले हैं, जो कि कॉमिक विलेज के लिए, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है। तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पे एक सबसे हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू था, अभी हम हाईएस्ट विलेज पे जा रहे हैं, फिर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे, मतलब गजब एक्सपीरियंस होने वाला है। सामने व्यू देखो यार, तो यहाँ से कॉमिक विलेज ओनली 5 किलोमीटर रह गए हैं। और मेरे को साइड में रेड कलर का दिख रहा है दोस्तों, और ये जो लैंडस्केप है भाई साहब, मतलब अमेजिंग लग रहा है। और अपने को नीचे भी जाना है, बोल ना, काट देंगे क्या, बोल रही है, बोल रहा बारिश भी लग रही है। हाँ ठीक है, और बादलों को देखते हुए मेरे को ये लग रहा है कि बारिश भी होंगे। तो देखो बारिश भी मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। तो सामने ही ये जो गाड़ी खड़ी है, ये लिखा हुआ लर्निंग पे है शायद ये,
और स्पीति लेके आ गए हैं। सामने ही राइट साइड पे देखो एक विलेज टाइप का दिख रहा है, आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, नज़दीक चल के दिखाते हैं। और अराउंड 4 किलोमीटर है, तो चल के सीधे कॉमिक विलेज पे मिलते हैं दोस्तों। तो सामने देख सकते हो रेड कलर का जो मोनेस्ट्री दिख रहा है वही कॉमिक विलेज है, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज है। और वो अपने इंडिया में, समझ रहे हो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट भी अपने इंडिया में है, वो भी आपको दिखाऊंगा लद्दाख वाले ट्रिप पे, अभी यहाँ से जो निकलूंगा लद्दाख के लिए। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है और मोनेस्ट्री है जो कि यहाँ पे स्थित है। तो चलिए ये भी आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, ढंग से बताने का कोशिश करते हैं। बाकी तो देख ही सकते हो कितना खूबसूरती है ये वादियों में, मेरे पास है नहीं शब्द भाई एक्सप्लेन करने के लिए, बस जो आ रहा है बोल रहा हूँ। तो यस वी रीच्ड, और अभी आपको दिखाते हैं। तो हम लोग वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री और ये जो विलेज है वो हम लोग पहुँच चुके हैं। आप ये मोनेस्ट्री है दोस्तों, काफ़ी शांति है यहाँ पे, धीरे से ही बोल रहे हो, बहुत साउंड कर रहा है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोनेस्ट्री, एक अपने आप में गौरव है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट पे चाय, और मोनेस्ट्री भी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोनेस्ट्री है ये, तो एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा हमारा। और बाकी आप देख सकते हो रेस्टोरेंट को, तो कच्चा रोज स्टार्ट हो चुका है। किस कौन से विलेज के लिए? हिक्किम, और वहाँ पे है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ओके, आप लोग लोकल यहीं से हो? हाँ जी, यहीं से। तो कैसे सर्वाइव, पानी वगैरह कैसे करते हो आप लोग? पानी का, पानी आ जाएगा, क्या है चश्मा? अच्छा अच्छा, चश्मा जो मतलब कि पहाड़ों वाला पानी आ जाएगा, जो जमीन से निकल जाता है ना। हाँ हाँ, thank you.
तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जो कि हिक्किम में है। ये एक प्राउड का बात ही है दोस्तों। देख सकते हो तो यहाँ पे आके काफ़ी प्राउड हो रहा है। और यहाँ से एक पोस्ट भी करूँगा मैं अपने घर को या अपने रूम को ही कर लूँगा। और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट जो की मिनिस्ट्री है स्पीति का। एक गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है उसको भी बताऊँगा। तो प्राउड वाली बात है दोस्तों यहाँ पे आना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। आप भी देख लो मेरी नज़र से पीछे ही है। और यहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ कैसा है। अपनी थार भी यहीं पर लगी हुई है देख सकते हो। वो पुरानी मिनिस्ट्री थी नीचे पूरा काजा दिख रहा है और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। सामने का मेरे पीछे आप देख सकते हो व्यू कितना शानदार व्यू है। और रोड तो आप देख ही रहे हो कितना डेंजरस है, मतलब ठीक है बहुत अच्छा भी है। और पीछे काजा दिख रहा है पूरा। और ये देखो पूरा व्यू दिख रहे हो नीचे उस साइड पे कहीं रोड दिख रहा होगा आपको इस साइड पे। यहाँ पे पूरा रोड बना हुआ है और व्यू अमेजिंग है वो देखो सामने। यहाँ पे आना बनता है भाई, आओ जरूरी यार, गजब लग रहा है काजा। देखो इधर अपने को वहीं नीचे जाना क्या है।